आठ सेक्टर्स आपकी स्क्रीन्स पर हैं, न्यू एज टेक्नोलॉजीज की बहुत चर्चा होती है, तो दो स्टॉक्स उस स्पेस से ले लिए मैंने। कुल मिलाकर 9 स्टॉक्स होंगे जो आज हमारे पास होंगे। तो एक काम करते हैं, क्विकली बातचीत की शुरुआत कर देते हैं, क्विकली समझा देता हूं एक एक करके कौन कौन से वो स्टॉक्स होंगे। और शुरुआत करते हैं राजेश अग्रवाल साहब के साथ, और मैं न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज पे अब शुरुआत कर रहा हूं। राजेश जी, सबसे बेहतरीन ये जो आजकल बाजार डिफाइन कर रहा है न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, और बड़े अच्छे वैल्यूएशन, बड़े ताबड़तोड़ तेजी इन स्पेसेस में देखने को मिल रही है, इस न्यू एज स्पेस में से कौन सी कंपनी है जो सबसे प्रेफर्ड बेट है सर आपकी? और आपको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। गुड आफ्टरनून सुदीप, आशीष जी, सुदीप सर, गौरांग सर और बाकी जो दर्शक है सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी और हमारी कंपनी ओम कैपिटल की तरफ से। जहां तक न्यू एज कंपनी की बात है, आपने सही कहा कि इस वक्त ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो न्यू एज टेक्नोलॉजी कही जा सकती है और बहुत लाइमलाइट में है, जिसमें हमने एक कंपनी IEX को चुना है। हालांकि इस पर हमारी इनिशिएटिंग रिपोर्ट जुलाई 2020 में आई थी, उस समय ये 180-190 के भाव हुआ करते थे और अब 600 के भाव हैं, लेकिन हमें अभी भी बहुत अपसाइड लगती है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये पहला और सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है भारत का। भारत एक ऐसा देश है जो तीसरे पायदान पे आता है इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन में और प्रोडक्शन में, और उसके बावजूद एनर्जी एक्सचेंज पे जो एनर्जी यूनिट्स ट्रेड हो रही है ना, वो केवल 5-6% हैं टोटल की, बाकी सब लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट के द्वारा होती है। तो इस कारण से स्कोप बहुत बना हुआ है पावर की, जैसे हम सब जानते हैं खपत बढ़ती जा रही है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस है। इस तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए थे, वॉल्यूम्स लगातार हर महीने बढ़ रहे हैं। सिर्फ अगर अगस्त की बात करें तो 9538 मिलियन यूनिट की इनकी ट्रेडिंग हुई है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक 700 पहला पड़ाव और उसके बाद और भी ऊंचे जा सकते हैं, बट इस वक्त 700 के टारगेट के साथ यहां पर बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। न्यू एज स्पेस में एक और स्टॉक, क्योंकि चर्चा थी, मैंने शुरुआत में अपफ्रंट कह दिया था कि न्यू एज स्टॉक्स पे ही मैं इस समय फोकस करूंगा। गौरांग सर के पास भी एक बहुत बढ़िया बेट है। गौरांग सर, हाय, गुड आफ्टरनून। ये न्यू एज स्पेस में कौन सा स्टॉक है सर? धन्यवाद आशीष, और आप सभी को शुभ दिन, और CNBC आवाज की पूरी टीम, CNBC आवाज के दर्शक और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी कंपनी जियोजित और हमारे तरफ से। तो ये न्यू एज टेक्नोलॉजी नाम का जो एक नया क्षेत्र उभर करके आया है आशीष, ये एक अलग किस्म का प्राणी है पूरा, और यहाँ पर आपको और भी कई सारे प्राणी आते हुए दिखेंगे, बाजार में उतरते हुए दिखेंगे। और हाल ही में हमने एक ऐसी कंपनी को देखा है जिसका नाम था Zomato। अच्छे स्तर पे मूल्यांकन पे इसका IPO का फ्लोर था, बहुत ही बेहतरीन गुना ये ओवर सब्सक्राइब हुआ, और मैनेजमेंट की टिप्पणियां से पहले हमने IPO के पहले माफ करना हमने IPO नोट द्वारा यहाँ पर निवेश की कवायद की थी, और इस शेयर के ऊपर हमने हमारे चैनल CNBC आवाज पर कई बार लिस्टिंग के पश्चात भी हमने राय दी थी निवेश करने के लिए। और मैनेजमेंट की टिप्पणियां ये भी थी आशीष की, अगर तीसरे लहर ने ज्यादा तांडव नहीं किया और बप्पा की कृपा रही और जो भी विघ्न है उसको हरते रहे, तो शायद न्यू नॉर्मल के तहत आशीष ये बहुत जल्द मुनाफे में आ जाएगी। फिलहाल नुकसान में हो रही है, लेकिन नुकसान जो हो रहा था वो कम हुआ है। तो हमने Zomato को चुना है, अच्छा खासा मार्केट शेयर है, और जिस तरीके से न्यू नॉर्मल के तहत खास करके जो युवा पीढ़ियां इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती हैं अपने मनपसंद रेस्टोरेंट से मनपसंद खाना भोजन प्राप्त करने के लिए, मुझे लग रहा है इनका मार्केट शेयर और भी बढ़ेगा, और अगर मुनाफे में आ जाती तो यहाँ पर 4 चांद लग जाएंगे। मध्यम से लंबी अवधि में जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है यहाँ पर वो है करीबन 175 का। सेक्टोरल ट्रस्ट में अब मैं केमिकल्स